कपड़ों की राजकुमारी सुनंदा आ चुकी है। कपड़े कौन दिंदा है? डिजाइनर दिंदे, मेरे को कोई कपड़े नहीं दिंदे। लड़कियां आती ना पॉडकास्ट के लिए, तो ज्यादा इंस्ट्रक्शन मत दिया कर। मैं अंदर से बड़ी दुखी हूँ, ये लड़का मुझे टाइम नहीं देता। मम्मी आई लबालू, आई लबालू। कौन आया बुरे? जाओ देखो 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 बुरे जाके। मेरे को नंगा क्या दिखा रही है? देखो। हेलो जी, वेलकम टू आज चैनल LOL। जाने लगी हूँ पॉडकास्ट के लिए। बता दो कौन आ रहा है पॉडकास्ट में? कोई आ रहा? सो बता देती हूँ कौन आ रहा है। आज आ रहा है पॉडकास्ट में सुनंदा शर्मा। मेरी मम्मी ने पसंद नहीं है तो जितनी वो खूबसूरत है उसका दिल डबल खूबसूरत है और आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज बात करेंगे, पंजाब से है लड़की, बड़ा मज़ा आएगा। वखाने तानू पॉडकास्ट, पहले ऑफिस रहते हैं पतीसा। तो चलिए जी, 15 मिनट में सुनंदा शर्मा आने वाली है और मैंने हर्ष को बोला कि आज फटाफट करेंगे यार, घर जाएंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि बड़े दिनों से गोवा शूट ये वो चल रहा है, बट ये ना कुछ और ही बोलता है। नहीं, आराम आराम से टीका टीका के सवाल पूछेगा। ठीक है भाई, ठीक। ज्यादा ना जो कोई लड़कियां आती ना पॉडकास्ट के लिए, तो ज्यादा इंस्ट्रक्शन मत दिया कर हर्ष कि ऐसे कर शाकिर, ऐसे कर दे, ये कर दे। शाकिर क्यों नहीं? शाकिर मेरा पति है। बाप रे, सॉरी राशिद यार, यार मेरी आज तक इतनी तारीफ मेरे पति ने नहीं की और ये किसी और का पति जब होगा तो ये मेरी तारीफ कर रहा है। मैंने बोला कि जो हमारा गाना आया है लोग देख रहे होंगे, कहीं भी देख रहे होंगे मतलब वो गाना, तो कह रहे होंगे देखो मोटी कैसे एक्टिंग कर रही है और ऐसे ऐसे कर रही है। तो इसने इतनी अच्छी बात कही जो मैं चाहती हूँ कि अपने मुंह से कहे और आप लोग सुनो। क्या बोल अभिनव? गाइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ और मैं टीजर दिखाता हूँ गाने का, कोई नहीं बोलता है कि भारती मैम मोटी है। बिल्कुल सही जवाब है। अब नूर जब कपड़े पहनाती है ना मुझे, जब शूटिंग के लिए रेडी होती है, ये बोलती मैम आप पतले हो गए। ये वो लोग है जिनको रोज मिलती हूँ तो इनको नहीं पता चलेगा, बट बाहर के लोग बोलेंगे तब। बट ये रोज वाले लोग भी बोलते हैं कि तुम पतली हो गई, तो मुझे फिर खुशी से मैं क्या करूँ, मैं कूद जाऊँ, इतना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आजकल ना शर्ट्स पहननी शुरू हो गई हूँ क्योंकि पतली लड़कियाँ अक्सर कॉरपोरेट जो ऑफिस में काम करती हैं उनकी शर्ट होती है ब्लू जीन्स ऐसे वाली, एंड उनके चुलबुले बॉस होते हैं जो ऐसे आ जाते हैं बिना कहे बीच में। तू मोटी से कम मोटी हुई है, पतली नहीं हुई है। आज वैसे उड़ रहा है सुनंदा शर्मा आ रही है, जो जानती भी नहीं, जो जानती भी नहीं, और अचानक तारीफ करो यार उस लड़की के सारे गाने हिट है, इसका मतलब तू उस लड़की को पूरा मतलब स्टॉक कर चुका है। भारती, मैं एक पॉडकास्टर के नजरिए से बोल, कास्टर तेरा मैं कास्टर करवाती हूँ प्लास्टर। हाँ oh, no. तू अगर पॉडकास्टर है ना तो मैं भी पॉडकास्टर ही हूँ, मैं भी बैठती हूँ। इसका मतलब यार जो ये हमारे साथ काम करते हैं ये अपना काम छोड़ के हमारी बातें देख रहे होते हैं, इधर चाहे मैडम का कान चपटा हो जाए स्ट्रेटनर में। सो गाइस, सुरो की राजकुमारी सुनंदा आ चुकी है साडे विच। सुनंदा बोलते ही मेरी पंजाबी निकल जाती है, बट हिंदी बोलनी पड़ती है क्योंकि अभी सारे लोग नहीं समझ पाते पंजाबी, लेकिन जड़े समझ पाते ना, इतनी बढ़िया समझ पाते ना। सो वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत मजा आएगा क्योंकि पंजाबी कुड़ी आई है। हर्ष ने थोड़ा सर नहीं, नहीं मेरे को समझ आ जाती है। हाँ, ये सुंदर लड़की ओंदी है, जहाँ ओंदी करता ना इन्हें उसे बेड़ा गर्क हो गया, जिथे ओंदी है तो सौंदी ऐसे। चलो जी करें, इनका गाना है मैनू दूजी बारी प्यार होया तेरे नाल ही बेटा मन में लड्डू फूटा। यस, आपके साथ नहीं उनका गाना है, सुनना है। Hours later. चलो जी, प्यारी सी सुगंधा के साथ पॉडकास्ट हो गया, बड़ी बात है कि आप देखना पॉडकास्ट बहुत अच्छा, कुछ सीखने वाला। मतलब ये चुलबुली मेरी मम्मी ने पसंद नहीं, ये लड़की भाई अलग है। सुनंदा दिल करता है ब्लॉग करने का? हाँ, मैं शुरू करूंगी। पंजाब की यार सुपरस्टार हो अभी तो वर्ल्ड वाइड, करना है यार करना। पक्का करूंगी। अच्छा सुनंदा, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे बहुत सारे वीडियो देखे इंस्टाग्राम में, कपड़े बहुत सोने होंगे, कपड़े कौन दिंदा है? डिजाइनर दिंदे, मेरे को कोई कपड़े नहीं होंगे। कपड़े ये भी सूट मैंने पहन लिया, अब उनको वापस कर देना। सो स्वीट यार, मैं बता दूँ यही सच होता है, हमको लोग कपड़े देते हैं फिर पहन के हम उनको टैग कर देते हैं, तो इससे उनका भी फायदा और हमारा भी फायदा। हमारा ये फायदा कि हमको पैसे नहीं खर्चने पड़ते, और फिर अगर एक बार टीवी पे पहन लिया दोबारा फिर आप लोग ही लिख देते हो भारती दीदी ये वही वाला सूट है ना जो करवा चौथ पे पहना था, तो फिर शर्म आती है, इसीलिए फिर
जो डिजाइनर है वो जिंदाबाद। इन्हू कोई फर्क नहीं पैंदा, ये अपना काम लगा हुआ है। गाइस 5 मिलियन हिट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए 40,000 बाकी है। ये देखिए बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि 4 मिलियन पे हम उनके साथ जूम मीटिंग की थी, तो मुझे लगता है कि ऋषि 5 मिलियन पे भी एक ऐसी अच्छी सी एक जूम मीटिंग प्लान करके रखना जिसमें हमारे सारे यूट्यूब फैमिली आ सके और उनसे बात कर सके और उनको पूछ सके कि आपको हमारा फूड वाला ब्लॉग अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग वाला, या फिर घर पे या फिर ऑफिस पे, तो आप जरूर बताना। लेकिन भाई इसका कर दो, ये राउंड फिगर कर दो भाई, ना आपकी ना हमारी, ये जो अमाउंट है ना ये जम नहीं रहा। वो जो लाल वाला बटन है बस क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे पता नहीं यार, हमारी टीम में इतने टैलेंटेड लोग हैं, मतलब ये है डिकोस्टा, नहीं ये है हमारा मतलब ऑफिस में न्यू मेंबर मोंटी, रॉकस्टार मोंटी, और इस तरह अकेले। मोंटी कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मोंटी ने मुझे पहले 1 महीने से धोखे में रखा हुआ है, इसने अपना नाम मुझे पीटर बताया था। काट लेती हो। Oh no! रोबो अब याद रहेगा मुझे। तुम रोबो की तरह डांस करते हो? Yes, और हमारे यहाँ तो यही चलता रहता है, खाना डांस नाच गाना, तो लगता है ये लड़का सही जगह आया। यार तुम डांस दीवाने में क्यों नहीं आए? मैम ट्राई करता हूँ। मुझे क्यों नहीं बोला? अब मुझे बोलना अगली बार। yeah, अब मोंटी मुझे डायरेक्ट बोलेगा, कैंसिल करवाऊंगी इसका। डोलो के ब्रांड बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति डोलो का के काम करता है, बट उसने आज तक डोलो नहीं खाई। नहीं खाई ना? टचवुड शक्ति साल में एक ही बार बीमार होता है और वो हो चुका है ना शक्ति, क्योंकि शक्ति ने खुद कहा है साल में एक बार चंदा इकट्ठा करते लंगर डालते, वैसे बीमार एक बार होता तो वेरी गुड। बाकी इधर वाले तो सेहत के मुताबिक पतले थे, यामिन सर वो अरे कुर्सी भी खाली यार, नीचे जगह भी, आज वो बीमार है। मेरे को यामिन पे इतनी हंसी आती है, जबकि उसकी बीवी मेडिकल लाइन में है और सबसे ज्यादा हमारे ऑफिस में यामिन ही बीमार होता है। Oh, no. ये भी थे पीछे, गोवा की याद आ रही है बहुत ज्यादा। इस बार आनंद जी आम आएंगे, आम अच्छे बनेंगे इस बार। oh. गोला अभी जो आम खाएगा आप ही के आम खाएगा अभी, ठीक है? और नेचुरल है हमारा वो। ऑफिस भी लाना कुछ लोग। आम खाती हो? तो आम हर किसी को अच्छा लगता है ना। छी, तेरे को अच्छा लगता है? खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। ये प्लीज नोट करें, ये लड़का आम नहीं खाता। ये ना हो के अब नेक्स्ट कोई पार्टी करे मैंगो वाली पार्टी और यही खा रहा हो सबसे ज्यादा, तो आप शक्ति तुम भी याद रखना। यार मैं आपको आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अभी ना 1-2 दिन पहले मैंने ना अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें 2,000 के नोट थे। oh, no. तो मैंने बोला मुन्ना ये 2,000 के नोट है, ये करवा दे चेंज। वो अब नहीं होगा, वो अब नहीं होगा जो वर्ड उसने बोला ना, मेरे को लगा कि बस अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन मुन्ना ने कुछ जुगाड़ निकाला, जुगाड़ नहीं ये सही है, कौन सा बैंक है? आईडिया। अरे भाई इसने किया ना, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आओ ना, पेट आ रहा है आपका भी, रिस्क कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI बैंक होता है। इसमें अगर गलती से किसी के पास पड़े हैं तो सॉरी मांग के दे दो यार, वो दे देंगे। लेकिन ये नहीं कि आप करोड़ों रुपया ले गए, भारती ने बोला कर दो चेंज, ऐसे नहीं, नहीं थोड़े बहुत है, मतलब 10 एक आदमी 10 नोट चेंज कर सकता। तू बता दे सारा, बता दे तू, एक आदमी 10 नोट चेंज कर सकते है। उन्होंने डांटा नहीं कि अब आए हो आप? नहीं, वो सब बहुत लोग हैं मेरे जैसे। अच्छा, मतलब गाली खाने वाले और भी थे? शंकरा शंकरा भोले शंकरा। मेरी माँ के पास भी एक मिट्टी की गुल्लक है, उसमें से 30-40,000 निकलेगा। मैं नहीं तोड़नी, मैं आप ही तोड़ांगी जो मेरा दिल करेगा। मम्मी आप तब तोड़ोगे जब बंद हो चुके होंगे पैसे ये। पैसे मिले हैं इसके, आएंगे कुछ खाने पीने के लिए सामान, और हमारे ऑफिस का नया मेंबर बताएगा कि समोसे के साथ मीठे में क्या होना चाहिए। मैम ब्लैक। अरे कहना क्या चाहते हो? ब्लैक काले कलर है। चिप्स का पैकेट डाल दे इसको। भाई काले के गोरे कौन से लाए? काले काले लाते भाई, ला दो भूख लगी लड़के को। यहाँ पे अर गया गुलाब जामुन। मैम काले लाले काले लाले हो गया। गुलाब जामुन गर्ल आ जा अपना पॉडकास्ट टीम। प्रयागराज जाना पड़ा पांडे जी को, क्योंकि उनकी मम्मी क्या तबीयत थोड़ी खराब है, बहुत
झिझकते हुए मुझसे पूछा। मैंने बोला प्लीज जब पेरेंट्स बीमार होते हो ना तो आप पूछा भी मत करो, जाके फोन करो कि मैडम हम आ गए हैं, बस कोई जल्दी कर दे तो हो जाए। ये देखिए बारात में कुछ लोग गांव के पड़ोस के लोग होते हैं जिनको होता खा के अपना बस से निकले। थैंक यू गाइज हमारे गाने को इतना प्यार देने के लिए, लेकिन जब किसी ने इतना अच्छा काम किया होता है तो उसको इसकी कीमत मिलनी चाहिए। तो मुझे जो मैंने गाना किया है शंभू पूरा ऐसा पूरी इमोशनल हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी कीमत मुझे मिले, पैसे दे मेरे समोसा खा। सो गाइज आप इस ब्लॉग के नीचे भर भर के कमेंट करना कि भारती जी को उसका पैसा मिलना चाहिए काम का। मैं सुबह 5 बजे से वहां पर थी अंधेरे पे, जब पेट भी साफ नहीं हुए होते लोगों के, और वापस रात को कितने बजे आई हूँ ना, 11 बजे आई हूँ, और ये बंदा घर में था अपने बच्चे के साथ। मुझे मेरी कीमत मिलनी चाहिए। अपना अपना नसीब है, अपनी अपनी भक्ति है। मुझे शंकर भगवान ने अपना बच्चा माना हुआ है और मुझे बोला है कि तू घर पे रह चिल मार। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। इनके मॉडल तैयार है, अभी नेक्स्ट गाना इनके साथ कर रहे हैं। ओह नो, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। एक लंबी लड़की छोटी छोटी, वो माना भी हुआ करता। A few moments later घर आ गए भाई और देखा तो इधर क्या कर ले छोटे साहब। गोले आप किसका बेटा हो? नानी। मम्मा का? नहीं बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, बोलो मम्मी, मम्मी आई, आई लव यू, लबालू, बोलो आई, आई लव यू, लबालू, आई लबालू, आई लबालू टू, आई लव यू, आई लव यू, I love you. इस चेहरे पे खुशी पता नहीं कब देखने मिलेगी। मुझे लगता है मैं लाइटें उतार ही दूं, क्योंकि पीछे ऐसी लाइटिंग हो और आगे ऐसा उदासी वाला मुंह। जब दीदी मेरा चेक आ जाएगा जिस दिन 1 करोड़ का, उस दिन। आज का समय यही समाप्त होता है। चलो जी घर आ गए भाई, बहुत ही माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट था सुनंदा के साथ। मेरा पपली बैठ गया काम पे यार। यार दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं अंदर से बड़ी दुखी हूँ, ये लड़का मुझे टाइम नहीं देता। चश्मा पप्पी क्यों करते हो? मम्मा को किच्ची। इसको पूछते हैं भाई इसने क्या करना, किसके लिए काट रही है? दाल के लिए। इसका तो ये कि खाना रेडी होता है हमेशा। खाने में क्या है? दाल चावल दीदी, दाल चावल, बस दाल चावल। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, मैं बनाऊंगी अपने लिए कुछ। और मैंने बेबी पोटैटो पकाए हुए थे छोटे छोटे, मैं उसको बॉयल करूंगी और जीरा हींग डालूंगी और साथ में लहसुन, सूखे सूखे बनाती हूँ। टाइम मिला तो टाइम मिला तो आपको दिखा दूंगी, नहीं मिला तो फिर अगली बार दिखाऊंगी। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कल फिर मिलते हैं, बाय। मैं खुश नहीं होता, मैं परफेक्शनिस्ट आदमी हूँ। जिस दिन वो सर पे शीशा फोड़ेगा ना फिर तो खुश हो जाएगा। ठीक है कर दे, वो भी डाल देना।